आज 23 मार्च शहीद वीर भगत सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वडोदरा महानगर सेवा सदन द्वारा शहर के न्याय मंदिर लालकोट स्थित शहीद वीर भगत सिंह की प्रतिमा के साथ पुष्पांजलि वीरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम के दौरान कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद कॉरपोरेशन के आला अधिकारियों के बीच सोशल डिस्टेंस का सरेआम भंग और अभाव नजर आया था। आज 23 मार्च शहीद वीर भगत सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वडोदरा महानगर सेवा सदन द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि वीरांजलि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आज शहर के न्याय मंदिर स्थित लालकोट के पास आए हुए भगत सिंह चौक विस्तार में आज उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भगत सिंह का जन्म 1907 में 27 सितंबर को लयपुर के बंगा गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावंती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह पहले बचपन से ही देशभक्ति के माहौल में जन्मे थे, लेकिन किरतार सिंह की मृत्यु के बाद उनके सर पर इसकी गहरी असर होने के साथ वे उन्हें अपना आदर्श मानते थे और 19 वर्ष की आयु में ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तभी से उन्होंने मन में निश्चय किया था कि कुछ भी हो वे अंग्रेजों के खिलाफ भारत को भगाकर आजादी और उनकी स्वतंत्रता दिला के ही जपेंगे, जिस अंतर्गत उनके साथ अब अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाने का सर भूत पर सवार हो चुका था। तो वहीं अंग्रेजों को भगाने के लिए भगत सिंह के साथ उनके दोस्त सुखदेव और राजगुरु भी ये अंग्रेजों को छोड़ने के लिए ये लड़त में जुड़ गए थे, जहां आखिरकार साइमन कमीशन का विरोध करने के भाग रूप लाला लाजपत राय का मृत्यु किया गया। वहीं भगत सिंह और उनके दोस्तों ने इकट्ठा होने के साथ साइमन कमीशन का विरोध करते हुए सॉन्डर्स की हत्या की, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा जाहिर में यूनियन डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट की असेंबली में उनके द्वारा बम फेंका गया, जहां अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह और उनके दोस्तों की गिरफ्तारी करने के बाद 1923 मार्च को भगत सिंह सहित सुखदेव और राजगुरु और शिवाराम को जाहिर में फांसी पर लटकाकर उन्हें मौत की सजा दी गई। 30 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने देश के लिए अपना बलिदान देते हुए अपने प्राण न्योछावर किए थे। तब से लेकर 23 मार्च का दिन भगत सिंह के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां आज शहीद दिवस को मनाने के भाग रूप वडोदरा महानगर सेवा सदन द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप, मेयर क्यू रोकड़िया, डिप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल सहित पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत भत्थू सहित कॉरपोरेशन के आला अधिकारी गण हाजिर रहा था। तो वहीं आज भगत सिंह की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम के दौरान आला अधिकारी नेताओं के बीच सोशल डिस्टेंस का सरेआम भंग नजर आया था। एक और कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा ही सोशल डिस्टेंस का पालन करने की, मास्क पहनने की और तमाम नियमों का पालन करने की गुलबांगी पुकारी जा रही है। तो वहीं ये नजारा देखते हुए तमाम आला अधिकारी नेता गण नियमों का पालन करने में चूकते हुए सरेआम भंग करता हुआ नजर आया था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन के मिटने वालों का यह बाकी निशा होगा। एवं शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आ त्रणे त्रण जनने आजना दिवसे 1929 में फांसी आपवामां आवी हती। भगत सिंह आ नाम ज सांभळीए એટલે યુવાનોને અંદર લોહી ત્રણ ઘણી ઝડપે દોડતું થઈ જાય, જેને દેશ માટે 23 વર્ષની ઉંમરે શહીદી વહોરી હતી, બલિદાન આપ્યું હતું, હસતા હસતા ફાંસીના માછડે ચડ્યા હતા, અને એ સમય પણ હતો કે જ્યારે દેશ માટે મરવાનો સમય હતો, આજે સમય છે દેશ માટે જીવવાનો સમય છે, ત્યારે આમના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને યુવાનોએ શીખવું જોઈએ। જે ભગતસિંહે પોતાના જીવનની અંદર જલિયાવાલા બાગની અંદર જે હત્યાકાંડ અંગ્રેજોએ કર્યો તેનાથી કસમ ખાધી હતી કે અંગ્રેજોના દેશમાંથી બગાડી મૂકીશ, અને એ જ રીતે એમને પોતાના જીવનની અંદર એસેમ્બલીમાં બોમ્બ પણ ફોડ્યો અને અંગ્રેજ સાંડર્સની હત્યા પણ કરી અને અનેકવિધ કારણો માત્ર 23 વર્ષની ઉંમરે કર્યા। આવા શહીદ આઝમ ભગતસિંહનો આજે બલિદાનનો દિવસ છે, શહીદીનો દિવસ છે, ત્યારે આપણે સૌ ભગતસિંહના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈએ અને દેશ માટે કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના રાખીએ। શહીદ વીર ભગતસિંહના આજે શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ફૂલહારનો કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવેલું છે। કાર્યક્રમમાં માનનીય મેયરશ્રી અને ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન અને તમામ કોર્પોરેટર્સ પણ ઉપસ્થિત હતા। તો ભગતસિંહનું આપ સૌ જાણો છો કે જે રીતે શહીદ થયા
तो अपना सौ माटे देश माटे बलिदान आपवा माटेनो एक प्रेरणा स्वरूप छे। ए प्रेरणा स्वरूप ने याद राखवा माटे आजे दर वर्ष म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा श्रद्धांजलि नो कार्यक्रम राखवामां आवेली छे।